नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसको लेकर हिंदुत्ववादियों और जो ब्राह्मणवादी हैं उनके खेमे परेशान रहते हैं। इस लड़ाई में महार जातियों वाली अंग्रेजी सेना ने पेशवा ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली ताकतवर फौज को हरा कर उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। इस विजय को दलित हर साल एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। 1 जनवरी 2018 में जब इसके 100 साल पूरे हुए थे तो यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, मगर हिंदुत्ववादियों ने हिंसा की ऐसी साजिश रच दी थी जिसकी आग से महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में आग लग गई थी। लेकिन ये साजिश यही नहीं रुकी थी, बल्कि इसके तहत देश भर के नामी गिरामी सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा कर जेल में डाल दिया गया और आज तक उनकी जमानत भी नहीं होने दी गई है। आज हम इस लड़ाई के महत्व और महार लड़ाकों की इसमें भूमिका पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुन्यानी। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोफेसर पुन्यानी। पिछले 3-4 सालों से ये भीमा कोरेगांव का मामला काफी चर्चा में है। यहाँ एक स्मारक है जिसके आसपास हर साल लोग इकट्ठे होते हैं और महार जाति के लोग खास तौर पर इसको अपनी शौर्य का हिस्सा मानते हैं। एक ऐसी घटना के रूप में देखते हैं जब महार जाति ने जो दलित जातियां हैं उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और उन पर कभी जो जुल्म उठाते थे, जिन्हें कहना चाहिए जिनके पर अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते, तो उनसे एक तरह से एक प्रतिशोध भी लिया उन्होंने और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पूरी घटना को किस तरह से देखे जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्ववादियों और दलित पक्ष के बीच में या लोकतंत्रवादियों के बीच में एक टकराव का भी मुद्दा है। जी, पहले तो हम इस घटना को समझ लें। और ये जो लड़ाई हुई थी 200 साल पहले, 1 जनवरी 1818 को ये लड़ाई हुई थी। एक तरफ ब्रिटिश फौज थी और ब्रिटिश फौज में महार थे, नाम शूद्र थे और पराया थे। नाम शूद्र यानी जो बंगाल के दलित, पराया यानी जो तमिलनाडु के दलित। तो ब्रिटिश फौज में दलित, अगर वो शब्द इस्तेमाल किया जाए जो भी मोटे तौर पर, तो ये थे। दूसरी तरफ पेशवा की फौज थी और पेशवा की फौज में बड़ा मज़े देखिए, पेशवा की फौज सवर्ण है और उसके साथ अरब मर्सिनरीज हैं। अब मर्सिनरीज को हिंदी में क्या कहेंगे, भाड़े के सैनिक, किराए के सैनिक, वो उनके साथ हैं। और ये भी हम देखते हैं कि बाद में कई अरब सेनापति, पहले शिवाजी की फौज में भी थे, सिद्धि संबल और दूसरे लोग भी थे। तो ये जो देखा जाए तो इसका कॉम्पोजिशन था, एक तरफ ब्रिटिश फौज है और जिस फौज ने पेशवा फौज को हराया वो एक एलीट फोर्स थी, ब्राह्मणवादी थी, उसमें अछूतों को नहीं लेते थे। अरब के जो भाड़े के सैनिक थे वो चलते थे पर यहाँ के जो दलित नहीं चलते थे। अब क्योंकि पेशवा हार गए और उस समय पेशवाओं के प्रति दलितों में एक बहुत गहरी पीड़ा, वेदना, तकलीफ और दर्द था, क्योंकि पेशवाई के राज के समय अछूतों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते थे। यानी वो सड़क पर चलें, उनकी थूक कहीं ना गिर जाए तो गले में मटका बांधिए, आपके चलने से धरती अपवित्र हो रही है तो कमर में झाड़ू बांधिए। इसलिए ये वैसे तो कोई सोशल रिफॉर्म की लड़ाई थी नहीं, ये अंग्रेज़ अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और पेशवा अपने राज्य को बचा रहे थे। लड़ाई तो मुख्य रूप से इसमें है, पर क्योंकि इसमें देखा गया कि इसमें दलितों का, अछूतों का, केवल महार ही नहीं, नाम शूद्र और पराया, ये तीन प्रकार की जातियां थी। तो इसके लिए जब पेशवा हार गई तो उसके लिए एक स्मारक बनाया गया, उसको दलित जातियों ने एक सेलिब्रेशन करके लिया कि पेशवा की फौज हार गई। यानी वो जीते, वो तो क्या ब्रिटिश फौज जीती, पर पेशवा की हार पर एक प्रकार का जो सेलिब्रेशन था उसके लिए साल के साल, जैसे आपने कहा, वहाँ वो लोग जाते थे। और तो और 1927 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी वहाँ अपनी श्रद्धांजलि देने गए, जो लोग इस लड़ाई में मारे गए। और महार और बाकी दलित जातियों ने इसको एक पेशवा के विरुद्ध
सफलता के रूप में देखा। वैसे उससे कोई छुआछूत की प्रथा तो चली नहीं गई, अंग्रेजों ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया और बाद में तो खैर बहुत बड़े आंदोलन के तौर पे जाके चली, पर ये एक यादगार रह गई। और कई बार जो दमित जातियाँ रहती हैं, जब वो अपने समता के रास्ते पर जाती हैं तो वो कुछ प्रतीक लेकर चलती हैं, और ये प्रतीक लेकर इन जातियों ने इस प्रकार से किया। और इस बार जब क्योंकि 200 साल हो रहे थे, दलित बहुत बड़ी संख्या में आए थे, तो दो घटनाएं इसमें बताता हूँ। एक तो जब वो वहाँ आए तो उन पर हमला हुआ। अब शुरू में इसमें दो व्यक्तियों के नाम आए थे, एक थे संभाजी भिड़े और दूसरे मिलिंद एकबोटे। ये दोनों हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए थे। पहले इन पर FIR भी लगी, बाद में खैर आश्चर्यजनक तरीके से उनसे ये हटा ली गई। अब इसी के साथ एक पुणे में एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई, और सार्वजनिक सभा का आयोजन जो किया था लेट जस्टिस PB सामंत और जो अभी हैं मौजूद जस्टिस कोलसे पाटिल, इन दोनों ने उसमें आयोजित किया था। और उसके मुख्य वक्ता के एक मुख्य वक्ता के रूप में जिग्नेश मेवानी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था जैसे कि महार जिस फौज में थे उस फौज ने पेशवाई को हराया, आज हम संकल्प करते हैं कि जो आधुनिक पेशवाई आ रही है, आधुनिक पेशवाई RSS और भाजपा की सत्ता के रूप में आ रही है, हम उसके विरोध में काम करेंगे। ये मुझे लगा कि इनका ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था कि जिस प्रकार से पेशवा में एक रिवाइवलिज्म था, उसकी एक कड़क थी, तो आज उसी प्रकार की चीज़ें तो राजनीतिक समाज में अगर हम गहरे तौर से ले जाएं तो ये जो राजनीति है वो मुख्य रूप से दलितों के हकों को दबाना चाहती है, स्त्रियों के को दुय्यम रखना चाहती है, और सरफेस पे मुसलमानों को टारगेट करती है, क्रिश्चियंस को टारगेट करती है। तो ये तीन चीज़ें एक साथ हुई, और उसके बाद प्रशासन में जो सरकार बदली तो मिलिंद एकबोटे और इनका भिड़े, इनका नाम तो अभी उनसे से शायद FIR वापस हो गई, पर जिन पर लगाया गया उनको अर्बन नक्सल कहा गया, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो सुधा भारद्वाज हो, स्टैन स्वामी हो जिनकी अभी मृत्यु हो गई, वरवर राव हो या आनंद तेलतुंबड़े हो। और आनंद तेलतुंबड़े का केस तो इसमें और भी अलग है कि भारत के अभी के दलित चिंतकों में उनका स्थान बहुत आगे है। तो उन्होंने कहा कि मैं भीमा कोरेगांव के इसका समर्थन नहीं करता क्योंकि ये केवल पहचान की बात करती है, हमें दलितों की बराबरी के अधिकार के लिए प्रतीक ढूंढना चाहिए। खैर इसमें दो राय हो सकती है, मेरी खुद की राय थी कि कई बार प्रतीक आपको प्रेरणा भी देते हैं, तो दलित इसमें जाकर जो देखते हैं वो अपनी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इसको इस चीज़ को देखते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि फिर से ब्रिटिश रूल आ जाए या ये, पर एक हम दलित भी सफल हो सकते हैं पेशवाई को हराने में, उस प्रतीक के रूप में जाकर एक प्रेरणा स्थल के रूप में इसको लिया जाता है। इसीलिए इस बार उन पर हमला हुआ, इस बार 2018 में सबसे बड़ी संख्या में आए और उन पर हमला भी हुआ, कई लोग उसमें घायल हुए, कईयों को चोटें आई, और उसके बाद फिर जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं कितनी तकलीफ से चल रहा है। जी ये भी सब जानते हैं कि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह से लगातार उसके पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं दलितों को नुकसान पहुंचाने की या हिंदुत्ववादी ढंग से चीजों को पेश करने की और हिंसा और नफरत फैलाने की। और इस घटना के दो दिन पहले भी कुछ उन्होंने ऐसा किया था जिसकी वजह से थोड़ा हिंसा का माहौल बना था और हिंसा हुई थी, लेकिन संभाजी भिड़े को तो प्रधानमंत्री अपना गुरु मानते हैं, तो उन पर कैसे कार्रवाई हो सकती थी? उस समय महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो ये दोनों को तो बाद में मुक्त कर दिया गया, और जिनका कोई भूमिका नहीं थी उन्हें यहाँ पर पिछले 2.5-3 साल से वो जेलों में बंद है, उनकी जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई थी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानना चाहें कि पेशवाई के साथ ब्रिटिश फौज जो लड़ रही थी वो किन वजहों से लड़ रही थी, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, ये कैसे, ये जो रेजिमेंट है ये ब्रिटिश रेजिमेंट थी, महाराजिमेंट तो बाद में जाकर बनी, उसका हिस्सा थे ये दलित, क्या ये दलितों को लेने का सिलसिला भी ब्रिटिश ने बहुत बाद में शुरू किया था फौज में? देखिए ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उसमें शुरू में तो इन्होंने दलितों को लिया, अछूतों को लिया, उनकी रेजिमेंट्स भी आए, और ये जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश तो अपना प्रशासन
विस्तार कर रहे थे, अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसकी लड़ाई हुई। बाद में क्या हुआ कि जो दलित ब्रिटिश सेना में थे तो उस सेना में जो सवर्ण लोग रहते थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, इनको अपना कभी सुपीरियर नहीं मानते थे, तो उसके कारण बाद में ब्रिटिशों ने इनको अपनी सेना में लेना बंद कर दिया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी कोशिश करके महार रेजिमेंट बनाई ताकि ये जो छुआछूत का मामला है, दूसरे सैनिक इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इनकी एक अलग ही रेजिमेंट बना लो। इसीलिए आप जानते होंगे कि महार रेजिमेंट जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो बाबा साहब के इनिशिएटिव से बनी। और ये भी देख लीजिए कि यहाँ जो जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि जो अंग्रेज खुद होकर उनको अपनी सेना में लेते थे, बाद में उन्होंने अपनी सेना में लेना बंद कर दिया क्योंकि सेना के अंदर ही जो सवर्ण थे वो इनको पसंद नहीं करते थे। अगर वो कोई इनमें से कोई ऑफिसर बन जाता था तो उसको सैल्यूट नहीं करते थे कि ये तो भाई जाति में हमसे नीचे है, हम इसको कैसे सैल्यूट कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है। शुरू में ब्रिटिशों ने उनको लिया, बाद में इस कारण से बंद कर दिया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों से बाद में महार रेजिमेंट बनी और इनके लिए एक और रास्ता एम्प्लॉयमेंट का, नौकरियों का एक रास्ता खुल गया। इसमें एक थ्योरी और दी जाती है कि ब्रिटिशर्स का ये मार्शल कॉम का एक फंडा था जिसमें वो मानते थे कि कुछ जातियां हैं जो लड़ाकू जातियां होती हैं और ये दलित भला लड़ना भिड़ना क्या जानेंगे, तो ये इसलिए भी उनको बहुत दिनों तक नहीं लिया गया। लेकिन ये भीमा कोरेगांव का महत्व इसलिए भी है कि दलित जातियों को जब मौका मिला है तो उन्होंने अपनी बहादुरी भी दिखाई है और कहीं बड़ी सेना को, शक्तिशाली सेना को हराने में भूमिका भी निभाई है। तो ये अवसरों की भी बात है कि जिन्हें अवसर मिलता है वो अपनी, तो जाहिर है कि अपनी सफलता कायम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिलता है उनके साथ किस तरह का अन्याय होता है। और ये ब्रिटिशर्स के दौरान भी हुआ, आज भी हम होते हुए देख रहे हैं तमाम अकादमिक संस्थानों में, तमाम जगहों पर, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं बनाए जाते हैं, प्रोफेसर नहीं बनाए जाते हैं, तमाम जगह भेदभाव होता है जी। तो भीमा कौर जी प्लीज, इसमें देखिए कि ये जहाँ तक ये मार्शल रेस का सवाल है वो तो ब्रिटिश अपने कन्वीनियंस से ही करते थे। कन्वीनियंस मतलब जिसको आगे बढ़ाना हो उसको मार्शल रेस डिक्लेयर करते थे, ऐसा मुझे लगता है। पर जहाँ तक मौके का सवाल है वो आपका पॉइंट बहुत सटीक है कि जब मौका मिला तो इन दलितों ने भी दिखा दिया हम भी उतनी बहादुरी से लड़ सकते हैं, हमारे में भी वो सब कैपेबिलिटी है जो आप दूसरी तथा कथित मार्शल रेसेस के कारण, जो जिसके कारण प्रसिद्ध है, हम किसी से कम नहीं वाला मामला उन्होंने दिखा दिया। और आज जब जहाँ तक आज की बात का सवाल है तो मैं उसको एक प्रतीक के रूप में कहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिस जाति के व्यक्ति को पढ़ने की मनाही थी उसी ने सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की, सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ, सबसे ज़्यादा शिक्षा, और उनका जो किताबें जो लिखी उसकी भी संख्या सबसे ज़्यादा है, डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये मौके का सवाल होता है, ये अवसर का सवाल होता है। अवसर ही नहीं मिलेगा तो उनकी विद्वत्ता को, उनकी क्वालिटीज़ को, क्वालिटीज़ मैं तो इस बात को मानता हूँ कि ये सब अवसर की बात है, अवसर की बात है। उचित अवसर मिलने पर हर एक व्यक्ति बराबर से सफलता प्राप्त कर सकता है। और ये यहाँ पर एक यहाँ पर एक चीज़ और नोट की जानी चाहिए कि इतिहास लेखन में आम तौर पर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके इतिहास को दरकिनार किया जाता है, उनकी वीरता, उनके गुणों को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी उपलब्धियों को दर्ज नहीं किया जाता है। ये एक घटना ऐसी थी जो दर्ज हो गई, जिसका एक स्मारक है। तो बाकी पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी, कितने संघर्ष रहे होंगे जो कहीं दर्ज नहीं हुए हैं। तो ये इतिहास, इसीलिए भीमा कोरेगांव का इतिहास और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक वानगी है जो बताती है कि ऐसी और भी चीजें हुई होंगी। जी मुकेश कुमार जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस पे शायद ज़्यादा काम नहीं हुआ। आपने सबाल्टर्न हिस्ट्री की थोड़ी बात की। अब देखिए, आज़ादी के आंदोलन में स्त्रियों का जो योगदान था वो भी बहुत रेखांकित हुआ है। उसमें आप दो चार नाम याद आएंगे, छलकारी बाई, रानी चेन्नम्मा, पर उसके अलावा जो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको इतना रेखांकित नहीं किया गया। और जो उपेक्षित लोग समाज के रहे हैं, मुझे तो लगता है आज़ादी का आंदोलन वो एक दौर था जिसमें सभी को स्पेस मिला, सभी को जगह मिली, और वही सबसे बड़ी उसकी खूबी है। पर फिर भी
जो इतिहास के लेखन के आधार पे कितने लोग उसमें छूट गए कितने नहीं छूटे, पर ये भीमा कोरेगांव में क्योंकि वहाँ स्मारक बन गया था, ब्रिटिश के लिए भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पेशवाई को हरा के अपने राज्य का विस्तार किया और वो वहाँ मार इसका स्मारक बना। तो इसलिए इससे ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं इससे वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें तो इसी प्रकार का इतिहास चाहिए जहाँ सवर्ण जातियों की उपलब्धियाँ हों, पुरुषों की उपलब्धियाँ को काउंट किया जाए, और जहाँ तक वंचित वर्ग है या स्त्रियाँ हैं उनके योगदान को आप मार्जिन में रहने दो। ये हिंदुत्ववादी की मुख्य रूप से विचारधारा है। और हिंदुत्ववादी भीमा कोरेगांव को इस रूप में भी पेश करते हैं कि देखिए ये अंग्रेजों के साथ लड़े थे, जो हिंदुस्तानी है पेशवा हिंदुस्तानी थे उनके खिलाफ लड़े थे। ये भी एक विडंबना देखिए कि जैसे पेशवा देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इस तरह का भाव पैदा। अब पेशवा भी अपने राज्य को बचाने के लिए कर रहे थे, कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई बाकी राजाओं के साथ मिलके वो ब्रिटिश का अभियान चला रहे। वो तो एक ही अभियान देखा जिसको लोग अच्छे से नहीं देखते। टीपू सुल्तान ने कोशिश की निज़ाम से और मराठाओं से मिलकर अंग्रेजों को दूर रखने की बात, मेरे ख्याल से तो वो एक ही इंस्टेंस आता है। बाकी तो राजा अपने अपने हिसाब से भाई मेरी रियासत बची रहे, बाजू में पड़ोस में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना, राजाओं का तो यही रवैया था। बल्कि इन्होंने तो संघ बना रखा था होलकर सिंधिया गायकवाड़ के साथ मिलकर कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, बाकी सब टूट गए या हरा दिए गए, और ये इनको भी अंत में हार का सामना ही करना पड़ा। पेशवाशाही भी खत्म ही हुई अंत में। तो ये कुल मिलाकर इतिहास है राजशाही का। लेकिन ये जो घटना है भीमा कोरेगांव की, ये तीन चार लिहाज से जो हमने अभी जिक्र किया महत्वपूर्ण है, देश के इतिहास के लिहाज से भी, दलितों के इतिहास के लिहाज से भी, और हम सबको भी जानना चाहिए कि जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जो राजशाही में एक खास उसका एक कैरेक्टर बन गई थी, वो किस तरह से उसके प्रति आम लोगों में नफरत भी थी और उससे एक तरह का प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, और उससे जब जीत मिलती थी तो उन्हें खुशी भी होती थी, और 200 साल तक आज उस खुशी को जश्न के रूप में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में मनाया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि कृपया अपनी टिप्पणियाँ अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी ऐसा लगता है कि मिलनी चाहिए इससे विषय से संबंधित, तो उसके बारे में भी प्रश्न वहाँ आप दर्ज करा सकते हैं, और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चा इतिहास जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।